चाय को क्या कहते हैं, तंदूरी चाय। देखिए तंदूरी में ये देख रहे हैं, ये कुल्हड़ जो है ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं तंदूरी चाय। ये देखिए किस तरीके से, ये भाप आप देख सकते हो। नाम क्या है? रियाजुद्दीन। नहीं ओखला में रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो? बनारस। अरे माशाल्लाह, प्रधानमंत्री के क्षेत्र के रहने वाले हो हैं। और देखिए चचा खड़े हुए हैं, इन्होंने जो है ये चाय बनाई थी, तंदूरी चाय। और ये जहरा रेस्टोरेंट और ये जामिया नगर तिकोना पार्क के पास है। वेलकम बैक, मुशर्रफ अली खान ब्लॉग्स में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है, आपका खैर मकदम है। कैसे हो दोस्तों? एक नया दिन, एक नया सफ़र। और दोस्तों आज हम पियेंगे तंदूरी चाय, और ये मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार तंदूरी चाय पीऊँगा। देखिए आपने तंदूरी चिकन के बारे में बहुत सुना होगा, खाया भी होगा, तंदूरी कबाब भी खाए होंगे, तंदूरी टिक्का भी खाया होगा, लेकिन आपने तंदूरी चाय का नाम नहीं सुना होगा। तो इसलिए आज दोस्तों हम पियेंगे तंदूरी चाय। और ये कहाँ पर है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और कितने की चाय है ये भी बताऊँगा, कौन सी लोकेशन पर है मैं ये भी बताऊँगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन का घंटा होगा उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चलिए अब हम पीते हैं तंदूरी चाय, और तंदूरी चाय की चुस्की लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये चाय कैसी हैगा। और ये देखिएगा मेरे सामने का व्यू दोस्तों, तो ये है जामिया मिलिया इस्लामिया का मेट्रो स्टेशन। ये आप देख रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का मेट्रो स्टेशन है, और ये जो सीधा रोड जो है वो नोएडा के लिए ओखला हेड के लिए जा रहा है, लेकिन हमें जाना है इस रोड पर। ये आप देख सकते हैं सामने के लिए, चलिएगा हम चलते हैं। यहाँ पर खड़ी हुई हैं काफ़ी बैटरी वाली बसेस, और लेकिन हमें जाना है इस तरफ ओखला गांव की तरफ। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं ये फ्रूट व्रूट वगैरह बिक रहा है यहाँ पर, और काफ़ी बैटरी वाली गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी लाइन से खड़ी हैं। बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस एरिए में। और देखिए साइड में जो है दोस्तों ये सारे कीकर के पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा कीकर हैं, लेकिन हमें जाना है सीधा दोस्तों। तो ये देखिए ये है जामिया मिलिया इस्लामिया की मेट्रो की पार्किंग। जो लोग अपनी ड्यूटी पर या कहीं पर भी जाते हैं तो अपनी कार और मोटरसाइकिल वगैरह यहाँ पर खड़ी कर जाते हैं। तो ये है मेट्रो की स्कूटर और कार पार्किंग, आप देख सकते हैं। और इसका ये बाहर का गेट है, लेकिन बस थोड़ी दूर पर है जहाँ पर हमारे लिए दोस्तों चाय पीनी है। ये देखिए ये आ गया बाहर का रोड। इस रोड से जैसे हम बाहर को निकल जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं बड़े, बस सीधा यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर है जहाँ पर हमें जाना है चाय पीने के लिए दोस्तों। पहले मैं आ गया तिकोना पार्क, ये है तिकोना पार्क। ये सीधा रोड जो है एग्ज़ाम ब्रांच के लिए गया है, जामिया के एग्ज़ाम ब्रांच के लिए, और ये सीधा गया ओखला हाइट के लिए। तो ये तिकोना आकार का बना हुआ है, इसलिए ये जो है तिकोना पार्क के नाम से मौजूद है दोस्तों, क्योंकि भीड़ बराबर ज़्यादा है, बसों का हारन वारन ज़्यादा बज रहा है। चलिए वो उसी के सामने हम चलते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं ये पूरा जो है ये तिकोना पार्क है। बाहर से आपको मैं तिकोना पार्क दिखा रहा हूँ, अंदर लोग बाग बारह बैठते हैं, लेकिन वो भी मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर दोस्तों। ये है जहरा रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, इसके अंदर जो है खाना वगैरह भी आपको मिलेगा और तंदूरी चाय मिलेगी। चलिए अब हम चलते हैं इसके अंदर दोस्तों, अंदर एंट्री वगैरह करते हैं हम। और ये है कैफ़े दोस्तों सामने, ये जहरा के नाम से तीन दुकानें हैं यहाँ पर तिकोना पार्क पर, तीन दुकानें हैं, खाने का भी रेस्टोरेंट है और जो चाय है उसके बारे में हम चलते हैं सामने की तरफ दोस्तों। पहले कूपन लेना पड़ता है, और ये देख लीजिएगा आप 25 रुपये की चाय है ये। नहीं वो तो नहीं हमारे पास, ब्रिटिश सिस्टम काम है यहाँ का रहता है। चाय को क्या कहते हैं, तंदूरी चाय। देख लीजिए तंदूरी में ये देख रहे हैं, ये कुल्हड़ जो है ये देख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये हैं हमारे चचा जो अभी चाय के लिए इंशाल्लाह बनाएंगे। और ये देख लीजिएगा जहरा रेस्टोरेंट है, इसकी तीन ब्रांच है, एक दुकान उसके आगे के लिए है, एक ये है और एक सामने है देखिए तिकोना पार्क के। लेकिन आपके लिए यहाँ आना होगा
और ये देखिए तंदूरी चाय। देखिए चाचा बनाइए ज़रा, ये देखिए वाह, देखिए आग में देखो देखिए, इसे कहते हैं तंदूरी चाय। देखिए चाचा बना रहे हैं हमारे, देखिए तंदूरी चाय, ये देखिए किस तरीके से, देखिए भाप आप देख सकते हो, चलिए अब हम देखिए चाय पीते हैं और चाय की चुस्की वगैरह लगाते हैं। एक मिनट ये रख लो, इससे चाहिए नहीं, देखिए चाय ले लेते हैं हम। चाचा खड़े हुए हैं, इन्होंने जो है ये चाय बनाई थी तंदूरी चाय, और ये ज़हरा रेस्टोरेंट और ये जामिया नगर तिकोना पार्क के पास है, ये देखिए ज़हरा लिखा हुआ है, और इसकी चाय की अभी हम चुस्की लेते हैं, बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है, क्योंकि तो आपने तंदूरी चिकन वगैरह ये सब कुछ खाया हुआ लेकिन तंदूरी चाय नहीं पी होगी, लेकिन हम तंदूरी चाय वगैरह पीते हैं। ज़बरदस्त चाय है दोस्तों, आप आएँ और तंदूरी चाय ज़रूर पिए, बहुत टेस्टी लगी, बहुत अच्छा जायका है इसका चाय का, और बिल्कुल ताज़ा चाय आपके सामने बनाएंगे, आपने देखा हुआ है ये तिकोना पार्क जामिया नगर ओखला, देखिएगा। आपका नाम क्या है? रियाजुद्दीन। नहीं ओखला में रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो? बनारस। अरे माशाल्लाह, प्रधानमंत्री के क्षेत्र के रहने वाले हो हैं, और देखिए ये ज़हरा आएगा, ये आप देखना है माशाल्लाह, और रियाजुद्दीन भाई ने ये हमारी चाय बनाई थी, आप देख सकते हैं चाय बहुत शानदार है, और ये देखिए बिल्कुल भट्टी, आप देख रहे हैं कितनी सुरख हो रही है, देख रहे हैं जिससे ये भट्टे में लगी होती है, जिससे आप देख रहे हैं कितनी सुरख हो रही है, और चाय आपने देखी माशाल्लाह, और ये खड़े हुए थे रियाजुद्दीन भाई, इन्होंने हमारी चाय बनाई, बहुत ही शानदार अलीशान चाय थी माशाल्लाह। चलिए हम चाय पीते हैं और फिर इसके बारे में बताते हैं। देखिए ये अंदर ज़हरा रेस्टोरेंट की सारा आप देख सकते हैं, फुल्ली एयर कंडीशन है, और ये पूरा सब लिखा हुआ है, और ये सामने आप देख सकते हैं ज़हरा रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, और इनकी दिल्ली के अंदर कई ब्रांचें हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, काफ़ी ब्रांचें हैं माशाल्लाह। देखिए सामने भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ज़हरा लिखा हुआ है, वो भी अंदर रेस्टोरेंट खाने पीने का आया, जो भी चाय खा सकते हैं। मतलब टोटल मिला के दिल्ली के अंदर करीब 15-20 तो ब्रांचें हैं ना, 10 हैं तकरीबन, है ये 10 ब्रांचें हैं ज़हरा के नाम से दोस्तों। और देखिए एक ये भी है ज़हरा रेस्टोरेंट है, देखिए ये तिक्का वगैरह लग रहा है, और देखिए ये देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, शोरमा। दोस्तों सऊदी अरब के अंदर तो बहुत शोरमा खाया हुआ, लेकिन आप हमारे भारत का शोरमा देखिएगा, ये शोरमा है बिल्कुल अभी तैयार फ्रेश हो रहा आएगा, और ये ज़हरा रेस्टोरेंट कैफ़े के अंदर है, और ये इसका देखिए चटनी वगैरह बिल्कुल तैयार है, और ये जो अभी नया लगाया है बिल्कुल ये नया है, और ये देखिए ये टिक्का है, और ये देखिए दोस्तों चलिए हम चलते हैं अब अगले रेस्टोरेंट के अंदर, ये सामने आपने ये भी देख लिया हैगा, लेकिन अब हम चलते हैं सामने वाले रेस्टोरेंट में दोस्तों। देखिए ज़रा रेस्टोरेंट भी देख रहे हैं आप, ये तंदूरी लेग पीस तंदूरी चिकन बनना है, और इसकी कई ब्रांच है, बिल्कुल फ्रेश आपको मिलेगा, ये देखिए आप, दिखा देते हैं आपको, और ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पूरा फूड जो है अवेलेबल है, आप खा सकते हैं,
और देखिए ख़ास तौर से यहाँ पर जहरा रेस्टोरेंट के अंदर देखिए सफाई का कितना ध्यान रखा गया है। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी काफ़ी ब्रांचें हैं दिल्ली के अंदर, फुल्ली एयर कंडीशन है। ये देखिए, और देखिए बाहर सामने काउंटर है, जो भी आता काउंटर पर से मिलेगा, यहाँ देगा तो बेटर आपके लिए खाना वाना वगैरह जो भी आप खा सकते हैं। और इसके फ्लोर पर भी ऊपर फैमिली का भी खाने का है, और सामने मैंने आपको बाहर दिखा भी दिया हैगा, ये आप देख सकते हैं। और ये है तिकोना पार्क का दोस्तों पार्क, ये आप देखिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप प्रेस करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए एंट्रेंस के साथ में ये आपको पड़ेगा, ये देखिए ये बैठने की भी लोगों की जगह, खाना वाना भी सामने खा रहे हैं, ये आप देखिएगा दोस्तों। का मतलब ये तिकोना टाइप में बड़ा हुआ है, तो इसलिए ये तिकोना पार्क के नाम से जो है ये मशहूर है, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ही जो मैं अभी जहरा रेस्टोरेंट के जो बाहर से आया हूँ अभी चाय पीकर, वो बिल्कुल सामने ही है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये तिकोना पार्क है जामिया नगर ओखला, ये आप देख सकते हैं काफ़ी पेड़ वेड़ वगैरह लगे हुए हैं। और ये सामने ही बिल्कुल जहरा रेस्टोरेंट के बराबर में ही है दोस्तों, बिल्कुल मैं ये पार्क के अंदर से मैं जहरा रेस्टोरेंट ही बना रहा हूँ। ये देख लीजिए, बिल्कुल ये देख लीजिएगा दोस्तों, और ये काफ़ी बड़ा पार्क है माशाल्लाह, ये देखिएगा। और देखिए अजान भी हो रही है मगरिब की, ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको कुल्हड़ वाली चाय पीकर बताई, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जायका था। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार दोस्तों कुल्हड़ वाली चाय पी है जहरा रेस्टोरेंट के अंदर, तो मैं आया। और अगर आप पीना चाहते हैं तो दोस्तों ये जामिया नगर ओखला के अंदर है ये जहरा रेस्टोरेंट, इसकी कई ब्रांचें हैं, तकरीबन मैंने पूछा तो ये 10 ब्रांचें हैं पूरी दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा था, हालांकि मैंने खाना नहीं खाया, मेरा पेट भरा हुआ था, तो मैं सिर्फ चाय पीने के लिए आया था, कुल्हड़ वाली चाय। और आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर इजहार कीजिए वीडियो कैसी लगी। और मैं आप वीडियो करता हूँ एंड, थैंक यू।